हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका शेयर प्राइस गिरने वाला है। अगर आपने उस शेयर को खरीद रखा है तो मैं बोलूँगा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के डेट में मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है। यहाँ पर देख सकते हो तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा है, अभी 129 है, ठीक है। तो दोस्तों, इस गिरावट में एक शेयर बहुत ज़्यादा पिटने वाला है। अगर आपने उसको खरीदा है तो मैं तो बोलूँगा कि उससे दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब दोस्तों, आप उसको बेच के निकल जाइए, नहीं तो दोस्तों आप फंस जाओगे, आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो कौन सा स्टॉक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, JSW स्टील। इसका जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 262 चल रहा है, ठीक है, 262। और आज के डेट में भी यहाँ पर देख सकते हो अराउंड 3% की गिरावट है ये स्टॉक में। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस स्टॉक को खरीदा है, एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ओपन ये स्टॉक कितने पे हुआ था, मैं एक मिनट कारण भी बताऊंगा कि किस कारण से स्टॉक का प्राइस जो है डिक्रीज़ होने वाला, तो आपको वहाँ तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओपन कितना हुआ था, 265 में। हाईएस्ट कितना गया था, 265 में। मतलब कि दोस्तों, जैसे ही ओपन हुआ थोड़ा सा अप डाउन गया, उसके बाद से गिरावट ही गिरावट रही। तो मैं बोलूंगा इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहिए। अब कारण यही है दोस्तों कि JSW स्टील का जो कंपनी है दोस्तों, उसका 88% उसका जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो चुका है। 88% का मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको 88% लॉस होगा तो आप समझ सकते हैं कि JSW का कितना लॉस हुआ है, JSW स्टील का कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया सपोज, और उसमें से आपका 88% जो है लॉस में दिखा रहा है, तो आपको इतना जो समझ में आ जाएगा कि लॉस का मतलब क्या होता है। और 88% के यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, द कंपनी रिपोर्टेड ए 88% डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू, देख सकते हो, 187 करोड़ फॉर द दिसंबर 2019 क्वार्टर। मतलब कि दोस्तों, दिसंबर, जस्ट अभी दिसंबर गया, ये जनवरी है। तो मैं बोलूंगा दोस्तों, 2019 में इसका जो है सेल्स भी बहुत, मतलब कि दोस्तों ये किस लिए हुआ, क्यों, इसका नेट जो सेल्स में है रियलाइजेशन पुल डाउन, मतलब कि दोस्तों ये कंपनी का सेल्स अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो मैं बोलूंगा दोस्तों, ऐसे कंपनी से आपको थोड़ा सा दूर रहिए। क्यों, जिस कंपनी में सेल्स नहीं हो रहा पहली बात, और दूसरी बात, अगर ये दोस्तों सेल्स ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहां से जनरेट करेगा। अगर आपने दुकान खोला है या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो और आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तो अपने इंप्लॉय को, जितने स्टाफ हैं, आपका रेंट है, जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप कैसे पे करोगे, नहीं कर पाओगे। मतलब इतना तो आपको एस्टिमेट हो गया होगा कि प्राइस डिक्रीज होगा। और एक बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं खरीद सकते हो, अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। मैं अपना अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं है। आप सोच सकते हैं प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है और गॉड का मतलब क्या होता है। दुनिया में दो ही चीज़ है, कंपनी में प्रमोटर और हमारे दुनिया में भगवान, ठीक है। तो आप सोच सकते हो जिस कंपनी में प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिव है, 90% है, और जो था, जो 2-4% रखे थे अपने पैकेट में, वो भी यहाँ पर देख सकते हो प्लेस रख दिया है। जो 2-4% पैकेट में रखे थे वो भी इन्होंने प्लेस रख दिया। हालांकि दोस्तों, कंपनी वही बहुत अच्छी कंपनी होती है जिसमें आपको मोर देन 60% प्रमोटर्स के पास तो होल्डिंग होना चाहिए, मोर देन 60%। और यहाँ पर दोस्तों, मोर देन 60% का बात तो अलग है, यहाँ पर 10% भी इनके पास नहीं है, 5% भी नहीं है, और उसके पास, और सारा चीज़ किसके पास है, तो यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक के पास है, यहाँ देख सकते हो अदर्स के पास है। मतलब कि दोस्तों, ये सारा चीज़ पब्लिक के पास है। यहाँ देख सकते हो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड वालों ने भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा माल उठाया है। तो आप खुद ही दोस्तों इसमें जज कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है करके। तो मैं बोलूँगा मेरे तरफ से दोस्तों, आप इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स का भी पकड़ जो है बहुत कम है। पहली बात, नेट सेल्स तो उसमें डिक्लाइन हुआ है, और तीसरी बात जो है दोस्तों, इसका जो नेट प्रॉफिट है, ग्रोथ दोस्तों, इस बिज़नेस में स्केल अप नहीं हो पा रहा, बिज़नेस जो है स्केल अप नहीं हो पा रहा। और जिस बिज़नेस में स्केल अप नहीं हो पा रहा उसको नहीं लेना चाहिए। और आप पूछोगे कि बिज़नेस में स्केल अप का मतलब क्या होता है, IRCTC में देख लो दोस्तों, वो बिज़नेस इतना बड़ा है, इतना वाइडर होने वाला, इतना बड़ा स्केल अप होगा, अगर आप वैसे में पैसा लगाओगे तो मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आपको जो करना है आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है।
आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 42% ही लोग बोल रहे हैं खरीदने के लिए दोस्तों, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ठीक है। और स्टॉक देख सकते हो पूरी तरह से कमजोर है। यहाँ पर मैं 1 मंथ का दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देख लीजिए 1 मंथ का, तो देखिए ठीक है 1 मंथ में अच्छी बात है यार, चलो ठीक है, पॉजिटिविटी है। और देख लीजिए 1 ईयर में फाइनली जो है डिक्लाइन मारा, डिक्लाइन मारने के बाद फिर से एक बाउंस बैक मारा, तो अभी जो बाउंस बैक मारा वो क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छा हम वीडियो बना के लाएंगे दोस्तों, और बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है।